चलिए बात है बहुत ही टेस्टी कचौड़ी की रेसिपी और इस कचौड़ी को हम बनाएंगे ब्रेड से। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डाल देंगे थोड़ा तेल, तेल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे सरसों दाना, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक लहसुन, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल्ड आलू को इस तरह से तोड़ के, इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आलू को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इसे हम। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे इसे। आलू की स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस, इन सभी को हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे इस तरह से। सभी ब्रेड को तोड़ने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे। इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे मसल लेंगे इस तरह से। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा मैदा, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे मिक्स करते हुए डो बना लेंगे इस तरह से। इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से डो की तरह तैयार कर लिया है। हाथों के ऊपर थोड़ा तेल लगा लेंगे और इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा लेंगे। इसे हम कटोरी की तरह इस तरह से बना लेंगे जिससे कि हम इसमें स्टफिंग कर सकें। इसमें डाल देंगे आलू की स्टफिंग और इस तरह से बंद करेंगे इसे। इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से शेप दे दिया है, देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे पैन में थोड़ा तेल, तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब इसमें डाल देंगे इन सभी को, एक तरफ से सिक जाने के बाद इसे पलट देंगे। अब इसे दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने तक सेक लेना है। ब्रेड की कचौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे निकाल के सर्व कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।